पंच कद में विलीन हुई बॉलीवुड की चांदनी, अंतिम सफर में मुंबई की सड़कों पर उमड़ा चाहने वालों का सैलाब। मिले पार्ले शमशान घाट में हुआ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार, पति बोनी कपूर ने दी मुखाग्नि। आखिरी सफर में श्रीदेवी को दुल्हन की तरह सजाया गया, लाल रंग की बनारसी साड़ी में गहनों के साथ किया गया श्रृंगार। श्रीदेवी की आखिरी यात्रा में सड़क पर तिल रखने की भी जगह नहीं, पुलिस को करनी पड़ी भारी मशक्कत। श्रीदेवी के अंतिम संस्कार में उमड़ा पूरा बॉलीवुड, आखिरी विदाई देने शमशान घाट पहुंचे दिग्गज सितारे। श्रीदेवी का विले पार्ले सेवा समाज शमशान में हुआ अंतिम संस्कार, शोक में डूबा बॉलीवुड। राजकीय सम्मान के साथ हुई श्रीदेवी की आखिरी विदाई, मुंबई पुलिस के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। सफेद फूलों से सजे ट्रक में आखिरी सफर पर निकली श्रीदेवी, तिरंगे में लिपटा था पार्थिव शरीर। अंतिम संस्कार से पहले लोखंडवाला में सेलिब्रेशन, स्पोर्ट्स क्लब में श्रद्धांजलि देने सितारों को लगातार था बॉलीवुड का हर बड़ा सितारा मौजूद। सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब के बाहर फैंस की लगी थी लंबी कतार, आखिरी दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे लोग। एनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी, कोर्ट ने एक दिन की हिरासत भेजा। सीबीआई ने कार्ति को आज सुबह चेन्नई एयरपोर्ट से किया था गिरफ्तार, जांच में सहयोग न करने का आरोप। पूर्व वित्त मंत्री के बेटे पर निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप, कार्ति ने आरोपों को खारिज किया। कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी से कांग्रेस आग बबूला, कहा राजनीतिक बदले की भावना से हुई कार्रवाई। कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद तेज हुई सियासत, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की पी चिदंबरम की गिरफ्तारी की मांग। मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी को झटका, मुंगावली उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, कोलारस सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार आगे। कोलारस में काउंटिंग के दौरान बवाल, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया गड़बड़ी का आरोप। मुंगावली सीट पर कांग्रेस ने विजेंद्र यादव निर्वाचित घोषित, करीब 3,000 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार को दी मात। ओडिशा के बीजेपुर उपचुनाव में बीजेडी की जीत, दूसरे नंबर पर बीजेपी, कांग्रेस तीसरे पायदान पर। बीजेपुर उपचुनाव में बीजेडी की जीत से सीएम नवीन पटनायक गदगद, लोगों को दिया धन्यवाद। अपनी गाड़ी से 9 मासूमों को चलने वाले पूर्व बीजेपी नेता मनोज बैठा का सरेंडर, मेडिकल के बाद पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। बिहार में नाराज जितन राम मांझी ने छोड़ा एनडीए का साथ, महागठबंधन में शामिल होने का किया ऐलान। अपने भाई तेज प्रताप के साथ मांझी के घर पहुंचे तेजस्वी, कल सुबह होगा औपचारिक ऐलान। अयोध्या विवाद पर श्री श्री रविशंकर का बड़ा बयान, बोले कोर्ट से नहीं निकल सकता समस्या का हल। श्री श्री रविशंकर ने कहा कोर्ट के फैसले से किसी एक पक्ष को हार स्वीकार नहीं होगी, जिसके चलते बाद में फिर बवाल होने के आसार। गुजरात विधानसभा विपक्ष का हंगामा, स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों को सदन से कहने लंबे। गोरखपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तेज किया प्रचार, राज बब्बर ने पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक, सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा। कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य जयंत सरस्वती का निधन, कांचीपुरम में लिया आखिरी सांस। शंकराचार्य जयंत सरस्वती को श्रद्धांजलि देने श्रद्धांजलियों की उबड़ी भीड़, प्रधानमंत्री निधन पर जताया दुख। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का झुंझुनू दौरा, 8 मार्च को पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों को लिया जायजा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के बक्सर में पासपोर्ट सेवा केंद्र का किया उद्घाटन, बोले अब लोगों को पटना नहीं जाना पड़ेगा। गुजरात के नवसारी में कचहरी भवन का 2-2 बार उद्घाटन, पहले कांग्रेस विधायक बाद में बीजेपी सांसद ने किया लोकार्पण। योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जौनपुर विकास भवन का किया औचक निरीक्षण, गंदगी देख अफसरों को लगाई फटकार। यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना विवादों में, औरैया में 25 नवविवाहिता ने नकली जेवर देने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के वर्धा में कपास से लदे ट्रक में लगी भीषण आग, हाईवे पर लगा घंटों जाम। राजस्थान के बीकानेर में हाईटेंशन तार की चपेट में आया ट्रक, हाईवे पर धुंधू का चला। कानपुर में सड़क पर खड़ी रोडवेज की बस में अचानक लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अकोला में डीजल से भरा टैंकर संतुलन खोकर हाईवे पर पलटा, लोगों में तेल लूटने की मची हुई। बिजनौर में दंगा नियंत्रण ड्रिल के दौरान यूपी पुलिस की खुली पोल, कई पुलिसकर्मियों के छोटे पसीने।
तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक कार में अचानक लगी आग, ड्राइवर बुरी तरह झुलसा। नोएडा के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी से नाराज अभिभावकों का प्रदर्शन, बच्चों संग सड़क पर उतरे। दिल्ली के संगम विहार में जल भराव से परेशान दुकानदारों का हंगामा, दिल्ली सरकार और एमसीडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। फतेहाबाद में लोन नहीं मिलने से नाराज महिलाओं का एसबीआई बैंक और प्रदर्शन, मैनेजर के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल, कांग्रेस का मिला साथ। फतेहपुर में नाबालिग को अगवा कर गांव के ही दरिंदे ने किया रेप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। हापुड़ के पिलोखुआ में एक महिला से तमंचे की नोक पर गैंग रेप, मोहल्ले की दो युवकों पर आरोप। कन्नौज में सेल टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर की गुंडागर्दी, टोल प्लाजा पर टोल कर्मी से की मारपीट। हाथरस में जहर खुरानी गैंग का पर्दाफाश, मेंडू स्टेशन से नशीले पाउडर के साथ दो लोग गिरफ्तार। बाराबंकी में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर वाहन चोर, चोरी के 5 ट्रैक्टर और बोलेरो बरामद। शामली में बेटी का अपहरण करने का विरोध कर रही महिला पर ससुराल पक्ष के लोगों ने फेंका तेजाब, पीड़ित अस्पताल में भर्ती। वाराणसी में 8 साल की बच्ची को पड़ोसी ने बनाया हवस का शिकार, घटना के बाद से आरोपी फरार। मेरठ में गाड़ी में पशु ले जा रहे दो शख्स की जमकर पिटाई, हिंदू संगठनों के लोगों पर लगा आरोप। कासगंज में पुलिस ने दलित को बारात निकालने की नहीं दी अनुमति, कहा गांव में हिंसा फैलाने का डर। कासगंज में नकल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 मुन्ना भाई गिरफ्तार। बलरामपुर में एक युवक का शव मिलने पर ग्रामीणों ने कब कुटा गुस्सा, पुलिस टीम पर क्या पथराव, महिला दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। मिर्जापुर में घर में घुसकर रिटायर्ड महिला टीचर की चाकू मारकर हत्या, मां को बचाने आई बेटी पर भी चाकू से वार। बरेली में प्रेमी संग मिलकर युवती ने शादी के दिन अपने दूल्हे से कराई हत्या, पुलिस ने हिरासत में लिया। मेरठ में ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम जा रही दो महिला खिलाड़ियों पर बाइक सवार बदमाशों ने फेंका तेजाब, अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुलंदशहर में 8,000 रिश्वत लेते धरा गया चकबंदी विभाग का अफसर, एंटी करप्शन विभाग की टीम ने पकड़ा। छपरा में बोर्ड परीक्षा के दौरान एक छात्र की चाकू कूद कर हत्या, साथी छात्र पर लगा आरोप। मोतिहारी में एक पति ने कुल्हाड़ी मारकर पत्नी को मौत के घाट उतारा, वारदात के बाद पति फरार, सास ससुर गिरफ्तार। औरंगाबाद में सेंट्रल बैंक की शाखा में आग से अफरा तफरी, दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। गया के चर्चित डॉक्टर पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी के अपहरण कांड में 8 दोषियों को उम्र कैद, कोर्ट ने भी टुरबा लगाया। पटना में 14 किलो चांदी और सोने की ईट के साथ पकड़ा गया एक शख्स, आरोपी सीतामढ़ी का रहने वाला। दिल्ली के गैनॉट प्लेस में इनर सर्कल में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप, एक शख्स घायल। दिल्ली के गांधीनगर में एक सराफा कारोबारी से दिन दहाड़े लूट, 8 लाख के जेवर के साथ फरार हुए बदमाश। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए डॉक्टर, ओपीडी पूरी तरह ठप। दिल्ली में सीलिंग के विरोध में कारोबारियों का प्रदर्शन जारी, करोल बाग में कारोबारियों ने फूंका पुतला। दिल्ली में कमलानगर में कारोबारी इस बार नहीं मनाएंगे होली, सीलिंग के विरोध में लिया फैसला। दमोह में गैंगरेप की शिकार महिला ने खुद को जिंदा जलाया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। छतरपुर में बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य के पति पर एक लड़की ने लगाया रेप का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। धार में 1 करोड़ की अंग्रेजी और देसी शराब पर चला बुलडोजर, आबकारी विभाग की टीम ने नष्ट किया। दमोह में एक युवक का कुएं में मिला शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। खरगोन में नापतोल में गड़बड़ी करने पर एक पेट्रोल पंप सील, लंबे समय से मिल रही थी शिकायत। भरतपुर में संतुलन खोकर हाईवे पर पलटा टैंकर, 30,000 लीटर डीजल सड़क पर बहा। बूंदी में भ्रूण लिंग परीक्षण रैकेट का पर्दाफाश, डॉक्टर और एक दलाल गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में 45 दिन पहले मर चुकी बेटी को जिंदा करने के लिए तंत्र मंत्र करवाते रहे माता पिता, भाई की शिकायत पर 3 आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार। चूरू में एक साथ 27 मोरों की मौत से हड़कंप, पानी नहीं मिलने से हुई मौत।
धौलपुर में वसुंधरा सरकार की ओर से कॉलेज छात्रों को बांटेगा लैपटॉप, मुफ्त में लैपटॉप आकर छात्र खुश। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में लापरवाही की हद, डिलीवरी होते ही डस्टबिन में गिरा बच्चा, गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया। अमृतसर में पूर्व चीफ खालसा चरणजीत सिंह चड्ढा के बेटे इंद्रप्रीत सिंह चड्ढा की खुदकुशी के मामले में 8 लोग गिरफ्तार, 2 महिलाएं भी शामिल। फरीदाबाद में गाड़ियों के शीशे तोड़ सामान चुराने वाले गुलेल गैंग का पर्दाफाश, 6 लोग गिरफ्तार। अमृतसर में एक पिता बना शैतान, 2 बच्चों को मौत के घाट उतार कर की खुदकुशी। तरन तारण में मेडिकल छात्र पर हमला कर मोबाइल लौटे लुटेरे, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। अहमदाबाद के नरोड़ा इलाके में एक पुलिसकर्मी पर लड़कियों से मारपीट का आरोप, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के जालौन में 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की ली जान, आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के बटाला में मालखाने से हथियार चुराकर बेचने वाला एएसआई गिरफ्तार, 3 और लोग भी धरे गए। सोनीपत में शादी के लिए परेशान करने पर नाबालिग ने सिर फिरे आशिक को मौत के घाट उतारा, भाई की बंदूक से मारी गोली। हिमाचल के ऊना में पंजाब के सीएम का सलाहकार बताने वाला जालसाज गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। पुणे में घर की बालकनी से झांक रही 2 साल की बच्ची 9वीं मंजिल से गिरी, मौके पर दम तोड़ा। ऋषिकेश में एक योग गुरु पर जापानी महिला से छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मजदूर श्रमिक कार्ड बनाने के लिए मांगी जा रही रिश्वत, एसडीएम ने जांच की कही बात। मध्यप्रदेश के रायसेन में अपनी मांगों को लेकर पेंशन कर्मियों का प्रदर्शन, डीएम दफ्तर का किया घेराव। यूपी के शाहजहांपुर में भूमि विवाद में 2 गुटों में फायरिंग, 1 की मौत, 4 लोग घायल। जमशेदपुर के चंडल में नेशनल हाईवे पर 2 गाड़ियों की भिड़ंत, हादसे में 4 की मौत पर मौके पर ही मौत। दिल्ली के गाजीपुर में नहर में गिरी गेंद निकालने गए 10 साल के मासूम की डूबकर मौत, घर में बसरा मातम। दिल्ली के नरेला में 70 साल के मौलाना पर 8 साल की बच्ची से रेप का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। उज्जैन जनपद पंचायत में 14 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में भोपाल के ज्वाइंट कमिश्नर और तत्कालीन सीओ को 3-3 साल की सजा, 34 लाख की हुई थी धांधली। हैदराबाद में एक चूड़ी फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, 8 बाल मजदूरों को रिहा कराया गया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।